हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ का तीसरा भाग समझेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में हम समझेंगे किसी संधि डायोड का दृष्टकारी के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, और इसके बाद हम जानेंगे विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड यानी जेनर डायोड को। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों, किसी संधि डायोड के वीआई अभिलक्षण में हम यह देखते हैं कि वह डायोड केवल तभी विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है जब वह अग्रदिशिक बायसित होता है। अतः यदि किसी डायोड के सिरों पर कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता अनुप्रयुक्त की जाए तो चक्र के केवल उसी भाग में परिपथ में धारा प्रवाहित होगी जब डायोड अग्रदिशिक बायसित होगा। डायोड के इस गुण का उपयोग प्रत्यावर्ती वोल्टता का दृष्टकरण करने में किया जाता है तथा इस कार्य के लिए जिस परिपथ का उपयोग करते हैं उसे दृष्टकारी यानी रेक्टिफायर कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली टर्मिनल ए तथा बी पर वांछित एसी वोल्टता की आपूर्ति करती है। जब ए पर वोल्टता धनात्मक होती है तो यहां पर लगा डायोड अग्रदिशिक बायसित होता है तथा यह विद्युत धारा का चालन करता है, और जब ए पर वोल्टता ऋणात्मक होती है तो डायोड पश्चदिशिक बायसित होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चदिशिक बायसित होने पर डायोड अपने अंदर विद्युत चालन नहीं करता, इसीलिए एसी वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में लोड प्रतिरोध RL से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और हमें कोई निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी, परंतु ऋणात्मक अर्धचक्र में विद्युत धारा प्राप्त नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार अगले धनात्मक अर्धचक्र में हमें फिर निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी। हालांकि यह निर्गत वोल्टता अभी भी परिवर्तनीय होती है, परंतु यह केवल एक ही दिशा में प्रतिबंधित होने के कारण दृष्टकारी यानी रेक्टिफाइड कहलाती है। अब चूंकि हमें एसी तरंग के केवल एक ही अर्धचक्र में निर्गत वोल्टता प्राप्त हो रही है, अतः इस परिपथ को अर्ध तरंग दृष्टकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। दोस्तों, अब यदि हम इस चित्र में दर्शाए अनुसार परिपथ में दो डायोडों का उपयोग करें, अब इन दोनों डायोडों के N फलकों को एक साथ संयोजित कर दिया जाता है तथा निर्गत को डायोडों के इस उभयनिष्ठ बिंदु तथा ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली के मध्य बिंदु के बीच प्राप्त किया जाता है। ऐसे में मान लीजिए किसी क्षण मध्य निष्कासी के A पर निवेश वोल्टता धनात्मक है। इससे यह स्पष्ट है कि इस क्षण पर कला असंगत होने के कारण बी पर वोल्टता ऋणात्मक होगी, जैसा कि यहाँ इस चित्र में दर्शाया गया है। अतः डायोड D1 अग्रदिशिक बायस होकर विद्युत चालन करता है, जबकि D2 पश्चदिशिक बायस होने के कारण चालन नहीं करेगा। अतः इस धनात्मक अर्धचक्र में हमें एक निर्गत धारा प्राप्त होती है। अब किसी अन्य क्षण पर जब A पर वोल्टता ऋणात्मक हो जाती है तो बी पर वोल्टता धनात्मक होगी, इसलिए डायोड D1 चालन नहीं करेगा लेकिन डायोड D2 चालन करेगा। इस प्रकार निवेशी AC के ऋणात्मक अर्धचक्र में भी हमें निर्गत धारा मिलेगी। इस प्रकार हमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही अर्धचक्र में यानी कि पूर्ण तरंग के समय निर्गत वोल्टता मिलती है। और दोस्तों, इस दृष्टकरण के लिए प्रयोग किए गए इस परिपथ को पूर्ण तरंग दृष्टकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। दोस्तों, यहां से प्राप्त निर्गत वोल्टता एक दिशिक होती है, परंतु इसका मान स्थायी नहीं होता। इस वोल्टता से DC निर्गत प्राप्त करने के लिए लोड प्रतिरोध RL के श्रेणी क्रम में कोई प्रेरक या पार्श्व क्रम में कोई संधारित्र संयोजित किया जाता है, क्योंकि ये संधारित्र अथवा प्रेरक
एसी उर्मिकाओं को बाहर फिल्टरन करके शुद्ध डीसी वोल्टता प्रदान करते हैं। अतः इन संधारित्र या प्रेरकों को फिल्टर कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक ऐसे डायोड के बारे में जानेंगे जो मूल रूप से एक संधि डायोड होता है, परंतु इसका विकास विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। और इस विशिष्ट प्रयोजन के पीएन संधि डायोड को कहा जाता है जेनर डायोड। तो जैसा कि हमने कहा कि यह एक विशिष्ट प्रयोजन अर्धचालक डायोड है और इसका नाम उसके आविष्कारक सी जेनर के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, इस डायोड को भंजन क्षेत्र में पश्चदिशिक बायस में प्रचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है तथा इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। दोस्तों, जेनर डायोड का प्रतीक यहाँ इस चित्र में दर्शाया गया है। दोस्तों, जेनर डायोड संधि के पी तथा एन दोनों फलकों को अत्यधिक अपमिश्रित यानी हैवीली डोप्ड किया जाता है। इसके कारण बनने वाला हासि क्षेत्र अत्यधिक पतला यानी लगभग माइक्रोमीटर की कोटि का होता है। दोस्तों, किसी जेनर डायोड का आई वी अभिलक्षण इस चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब अनुप्रयुक्त पश्चदिशिक बायस वोल्टता वी जेनर डायोड की भंजन वोल्टता वी जेड के समान हो जाती है तो परिपथ में विद्युत धारा में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। जेनर डायोड से प्रवाहित होने वाली धारा में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी जेनर वोल्टता नियत रहती है। जेनर डायोड के इस गुण का उपयोग विद्युत आपूर्तियों की वोल्टताओं को नियंत्रित करने में किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि किसी वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी दृष्टकारी की निवेश वोल्टता बढ़ती तथा घटती रहती है, तो ऐसा होने पर उसकी दृष्टकृत वोल्टता भी घटती तथा बढ़ती रहेगी। किसी दृष्टकारी के निर्गत से प्राप्त अनियंत्रित डीसी वोल्टता से स्थायी यानी नियत डीसी वोल्टता प्राप्त करने के लिए हम जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। किसी जेनर डायोड का उपयोग करके बनाए गए वोल्टता नियंत्रक का विद्युत परिपथ आरेख यहाँ इस चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर किसी अनियंत्रित डीसी वोल्टता को श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध RS से होते हुए जेनर डायोड से इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि जेनर डायोड पश्चदिशिक बायस हो। दोस्तों, अब यदि निवेशी वोल्टता में वृद्धि होती है तो RS तथा जेनर डायोड से प्रवाहित विद्युत धारा में भी वृद्धि हो जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी जेनर डायोड के भंजन क्षेत्र में जेनर वोल्टता नियत रहती है, फिर चाहे वहां पर जेनर डायोड से प्रवाहित धारा में परिवर्तन ही क्यों ना हो, तो यानी यहाँ पर भी डायोड के सिरों पर वोल्टता में कोई भी परिवर्तन हुए बिना ही RS के सिरों पर वोल्टता में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार यदि निवेशी वोल्टता घटती है तो RS तथा जेनर डायोड से प्रवाहित विद्युत धारा भी घट जाती है। जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता में कोई परिवर्तन हुए बिना और यहाँ पर फिर से RS के सिरों पर विभव घट जाता है। इस प्रकार निवेशी वोल्टता में होने वाली किसी कमी अथवा वृद्धि के कारण जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि RS के सिरों पर कमी अथवा वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार हमें जेनर डायोड के पार्श्वक्रम में लगे किसी लोड प्रतिरोध से नियत वोल्टता प्राप्त होती है, यानी कि जेनर डायोड इस परिपथ में एक वोल्टता नियंत्रक की भांति कार्य करता है। दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाना कि संधि डायोड का दृष्टकारी के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड यानी जेनर डायोड को। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को, जिनमें मुख्य है प्रकाश चालकीय डायोड यानी फोटो डायोड, इसके अतिरिक्त प्रकाश उत्सर्जक डायोड
यानी लाइट एमिटिंग डायोड या LED तथा फोटोवोल्टीय युक्तियों को। तब तक के लिए गुड बाय।